या बहुत जागरूकता से काम कर रही है कि मिशन लाइफ में तो है, आपकी जिंदगी में एक यादगार बन जाएगा। 75वीं सालगिरह पे हमने एक प्रोग्राम सेलिब्रेट किया, चाहूंगा कि वो एक अलग प्रोग्राम प्रेजेंट करें लोरा कार्य। भारत सरकार ने हासिल की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं, कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं? वेलकम सन द्वारा जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। कम्युनिकेशन की तरफ से जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम मना ही रहे हैं, उसमें जैसे पिछले साल तिरंगा यात्रा पे बहुत बड़ा जोर था, पिछले साल भी हमने जो पार्टीशन के हॉरर्स हैं उस पे प्रोग्राम किए थे, लेकिन इस बार पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हम मिलकर एक लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो आज़ादी, ये जो पार्टीशन के हॉरर्स हैं उनसे जितनी भी क्षति पहुंची थी, जितनी भी देश को नुकसान हुआ था, उसको हम भूले नहीं कि ये जो अगर आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ाद हवाओं में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं जो कि हमारे आज़ादी के मतवालों ने दी हैं, जो जिन्होंने अपनी जानें निछावर की हैं तब जाके हमें ये आज़ादी हासिल हुई है। और जो पार्टीशन के हॉरर हैं, जो लोग वहाँ पर शहीद हो गए, जो माएँ बहनें जो हैं वो उसके काम आ गई, आज़ादी को लेने के काम आ गई, उसको हम भूले नहीं, और उसको हम तभी उन लोगों को खराज अकीदत कर सकते हैं, तभी उन लोगों का जो कुर्बानियाँ उनको हम याद कर सकते हैं कि जब हम उनके बताए हुए रास्ते और जो मकसद आज़ादी का है उसके ऊपर चलें और इसको हम आगे बढ़ाएं, लोगों की जो तरक्की है उसको हम सुनिश्चित करें ताकि जो जिन लोगों ने कुर्बानी दी है वो काम आ सके। मैं आपको ये बताना चाहूँगा ब्रीफली के जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जैसे 9 ईयर्स ऑफ गवर्नेंस हैं, उसके तहत जो भी स्कीमें हैं, जैसे वो PMGSY हो, उसके बाद जो गरीब लोगों को मकान देने की जो स्कीमें हों, जो किसानों की आयु बढ़ाने की स्कीमें हों, जो कि ICDS की स्कीमें हैं, जो बच्चों की नरिशमेंट के लिए, उनकी परवरिश के लिए जो मिड डे मील स्कीम स्कूलों में शुरू की गई है, इसी तरह से ICDS के जो सेंटर हैं उसमें जो स्कीमें शुरू की गई हैं, उसका तभी लाभ लोगों तक पहुंच सकता है, तभी वो फ़ायदा ले सकते हैं कि जब उनको अवेयरनेस होगी। तो आज का ये प्रोग्राम जो है ये उसी की एक कड़ी के तौर पर है कि हमें लोगों को अवेयर करके एम्पावर करना है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो स्कीमें हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो ये तभी स्कीमें जो हैं वो कारगर हो सकती हैं कि जब गुलामी का जो दौर था, जो पार्टीशन के हॉरर्स थे, उनको जब हम याद करेंगे तब जाके ये स्कीमें सही मानों में इम्प्लीमेंट होंगी, और जो 9 ईयर्स ऑफ गुड गवर्नेंस है सरकार के, जो मरकजी सरकार के, उसका भी मकसद तभी पूरा हो सकता है कि जब हम उस टाइम को, उस समय को याद करेंगे जब हमें आज़ादी की हवाओं में सांस लेने की इजाज़त भी नहीं थी, अंग्रेज़ों की गुलामी में जी रहे थे, तो उसी दौरान जो अंग्रेज़ों ने एक इसमें चाल चली कि जिसके कारण वो हमें पार्टीशन का देखना पड़ा, तो इसी मकसद से हमने आज यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है। आप सब लोग यहाँ पे आए, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू।